गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम समाइका स्टाइलिस्ट। सो आज मैं आपके साथ एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा मेकअप पसंद आए। सो या अगर आपको ये मेरा मेकअप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस अगर आपको कुछ भी अगर जानना है लाइक प्रोडक्ट ड्रेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो कि आपको जो कुछ भी जानना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली शो यू अकॉर्डिंग टू मी कि हाँ वो चीज़ सही है या अच्छा है क्या है नहीं है। जो कुछ भी मुझे पता होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी ये मेकअप मैंने कैसे किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या गाइस मैं सबसे पहले प्लम का फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ एज अ टोनर। मिनिमलिस्ट का ये विटामिन सी सीरम है, इसको मैं ग्लो के लिए यूज़ करूँगी। आपको तो पता है ये ग्लो के साथ साथ आपके फेस में जितने हो रहे हैं प्रॉब्लम्स लाइक पिंपल्स रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट को रिमूव करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। गाइस मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसको अपने रूटीन में ज़रूर रखें। मैं ऑलवेज अपने स्किन केयर के रूटीन में यूज़ करती हूँ एंड मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। जिनके भी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रहे थे आप एक बार ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। देन मैं ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अभी ठंड का मौसम आ गया है सो ऑयल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट एंड ये बहुत ही मस्त प्राइमर है गाइस। सीरियसली मुझे पैक का तो ऑलमोस्ट मैं दो प्राइमर यूज़ कर सकूँ लेकिन ये प्राइमर सीरियसली बहुत अच्छा है फॉर विंटर सीज़न के लिए। देन मैं जाके NYX का फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फॉर नेचुरल ग्लो। ये फुल कवरेज भी देता है साथ में नेचुरल ग्लो भी देता है। देन मैं इसमें मेबलिन का स्ट्रॉप क्रीम ऐड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज एक ग्लो के लिए। सो मुझे ऐसा लगा कि एक सेट ज़्यादा लाइट हो गया ये फाउंडेशन। ओके फाउंडेशन अप्लाई होने के बाद आपको तो अच्छे से पता है कि फाउंडेशन ऑक्सीडाई होता है और कंसीलर और पाउडरिंग करने के बाद तो और भी हमारे स्किन टोन के साथ लगभग मैच हो ही जाता है। सो इसीलिए गाइस मैं बोलूँगी कि जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें उसके साथ आप एक मेकअप फिक्सर ज़रूर स्प्रे करें जिससे फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाए और एक बहुत ही अच्छा ड्यू फिनिश भी मिले। सो मैं हमेशा प्रिफर करूँगी कि आप ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करें। मैं ऑलवेज ये टेक्निक जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो मैं ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करती हूँ और साथ में कुछ फाउंडेशन को अपने नेक पर भी कर ले जिससे मैचिंग लगे। मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली गाइस ये बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। आपको अफोर्डेबल प्राइस में इतना हाई कवरेज का कंसीलर मिल जा रहा है ये बहुत ही बड़ी बात है। आप इसको मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी जिससे मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बहुत ही एक फ्लॉस सा एक लुक नज़र आए। देन मैं NYBA का एक फेस पाउडर यूज़ करूँगी और ये मेरा फेस पाउडर बहुत ही पुराना फेस पाउडर है। आज से 2 साल पहले मैंने इस फेस पाउडर को परचेज़ किया था लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी लेकिन अब मैं करती हूँ। देन मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ मेरे आईब्रो को फिल करने के लिए और ये इसके कलर सेट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। सो मेरा सेट्स ब्राउन जा रहा है सो इसीलिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ मेरे आईब्रो को फिल करने के लिए। देन मैं मेबलिन का एक न्यूड लिपस्टिक ली हूँ 657 का, ये बहुत ही अमेजिंग कलर है और इसको मैं एज अ ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे कोई भी एक पाउडरी ब्लश नहीं करना तो सो दैट्स वाई आई यूजिंग इट। देन मैं एक ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी शुगर का और इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है गाइज एज अ नेचुरल फिनिश के लिए। तो शुगर के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद है। मैं ये एक ब्रॉन्जर से अपने नोज़ को अपनी चिन को अच्छे से कॉन्टर कर लूँगी जिससे मेरा नेचुरल फिनिश भी आए और लाइक कुछ ज़्यादा डार्क हेवी भी ना लगे। देन मैं ग्लैम 21 का ग्रीन काजल यूज़ कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन के लिए। मैं एक मस्करा कर्ल यूज़ कर रही हूँ फॉर लैशेस के लिए जिससे ये करने के बाद मेरे लैशेस और भी अच्छे से उभर के आएंगे जब मैं मस्करा अप्लाई करूँगी। मैं लॉरियल पेरिस का एक वॉल्यूम मस्करा यूज़ कर रही हूँ जिससे गाइस आप देख सकते हैं कर्ल
मस्कारा कर्ल यूज़ करने के बाद मेरे लैशेस कितने अच्छे से निखर के आए हैं। सो या मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। देन मैं जाके मेबलिन का एक बहुत ही प्यारा सा ब्राउनी न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ, इस मुझे ऐसा लगता है कि इसको अप्लाई करने के बाद मैं जो कल दूसरा सेट्स अप्लाई करती हूँ तो उसका कलर बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। आप तो देख ही सकते हैं कि कितना अच्छे से ये कलर निखर के आया है। सो डैट्स वाई मैं इसको यूज़ करती हूँ। देन मैं एक हाइलाइटर यूज़ करूँगी, वेट एंड वाइल्ड का, और ये पिंक कलर का हाइलाइटर है। सो या इट्स वेरी अमेजिंग, और ये बहुत ही मस्त एकदम नेचुरल ग्लो लगता है। मुझे इसको लगाने से मुझे नहीं लगता है कि और कोई चीज़ की मुझे नीड है। सो या मैं उसको हल्के से नोज़ पे, चीक पे, हर जगह उसको अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने। सो या इट्स माई फाइनल लुक।